लोगे 6 एग्जॉस्ट एंड बाकी यहाँ पे एग्जॉस्ट रखे हुए हैं। सर सबसे पहले हम चूज करते हैं एक्रापोविक एग्जॉस्ट। तो अब शुरू करते हैं भाई एक्रापोविक का, जिसके अंदर आपको टाइटेनियम वाली फ्लेम्स दिखती हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो वेलकम मैडम आर्मी। आज का यार ये सीन है कि हम लोग आ रखे हैं अभी त्रिलोक भैया के सेफ जोन में। एंड जिन लोगों को नहीं पता जो सेफ जोन है वो शिफ्ट हो चुका है। तो सेफ जोन कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दीजिए। जीवन नगर बबलियाना। तो बबलियाना जिनको नहीं पता जम्मू में कहाँ पे आता है, सतवारी चौक के पास, किसी को भी पूछ लेना कि बबलियाना कहाँ है तो आपको पूरा डायरेक्शन बता देंगे। कि आज हम ऐसी एक चीज करने जा रहे हैं जो आपने कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। अपनी ड्यूक 390 में बुलेट का साइलेंसर लगाने जा रहे हैं। मेरे साथ होंगे त्रिलोक भैया, साथ में आरिफ भैया होंगे, इत्तेफाक भैया जुड़े हमारे साथ नए नए। तो आज भाई कुछ कांडी होने वाला है हमारे। हाँ इनका भी चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जितने भी मॉडिफिकेशंस वगैरह आपको इनके चैनल पे मिल जाएंगे। ये कि हम जल्दी से जल्दी यार बाइक की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा काम वाम निपटाने हैं सेफ जोन में भैया वगैरह को। क्या कह रहे कब खत्म होगी व्लॉगिंग इसकी, तब काम खत्म करेंगे। 4-5 और एग्जॉस्ट भी है जो हम लगाने वाले अपनी ड्यूक 390 बेसिक्स के अंदर। एंड आपको साउंड उसकी थोड़ी देर में पता चलने वाली कि साउंड कैसी आएगी, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। 4-5 एग्जॉस्ट है हमारे पास, एक्रापोविक है, योशिमुरा है, लियो विंस है, तो वो सब हम एक बार ट्राई करके देखेंगे कि 390 में बेस्ट कौन सा लगता है एंड मुझे अपनी बाइक में कौन सा एग्जॉस्ट लगाना चाहिए। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे मौसम बढ़िया है, आज धूप वगैरह नहीं है, देखता हूँ कि यार हाँ ब्राइटनेस यहाँ से बढ़िया आ रही है, वहाँ से उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं आ रही थी अच्छी खासी। आई होप ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो, मैं आपको 4-5 एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना दूंगा वीडियो में आज। थैंक यू अभी तक यार सपोर्ट वगैरह करने के लिए, जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है। 50 के हमारे बहुत जल्दी टच होने वाले हैं एंड हवा के चक्कर में भाई ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं अब, ठीक है। तो भाई अब सीन ये है कि फिर उड़ गए, ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से पीछे देख रहे हो हम एयरपोर्ट के बहुत पास में है, देख रहे हो ऐसा लग रहा है भाई नीचे ही आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के भाई लगाते हैं यार बाइक में एग्जॉस्ट। भाई एग्जॉस्ट वगैरह हमारा खुल रहा है इन गाइडेंस फ्रॉम त्रिलोक भैया। तो गाइस एक तो हमारा यहाँ का नट खुलेगा और हमारा यहाँ पे जो कैटलेटिक कन्वर्टर लग रखा है इसके साथ में एक नट खुलेगा, तो हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे हम इस चीज़ को एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जॉस्ट कितना लाउड आ रहा है। भाई स्टॉक एग्जॉस्ट में एक बार आप आवाज़ सुन लो, स्टॉक आवाज में भाई ऐसी आवाज आती है। तो अब यार ये चेंज करते हैं, एक बार देखते हैं कि भाई इसके बिना भी एग्जॉस्ट के बिना कैसी आवाज आती है, एग्जॉस्ट वगैरह का काम कर रहा है। अगर आप लोगों को भी कुछ एग्जॉस्ट वगैरह लेना है आप लोग हमें यार डीएम वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में भाई आपको एग्जॉस्ट मिलने वाला। अब ये सीन है कि यार बिना एग्जॉस्ट के हम लोग आपको आवाज सुनाने वाली मेरी 390 की एंड यार क्रैकल साउंड भी बहुत आ रही है, हल्की सी आवाज फट रही है बट एक बार सुन लो यार आप लोग, ऑन करना भैया। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ शॉप से थोड़ा सा बाहर, वही सीन ये है कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस आ रही है, तो इस ब्राइटनेस के लिए मैं बाहर आया हूँ क्योंकि यार अंदर जो था बहुत डार्कनेस थी तो आप लोगों को मज़ा नहीं आता देखने में और एग्जॉस्ट की आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब सी आ जाती, तो बाहर बहुत ही क्लियर आवाज़ आने वाली है। एंड ये है हमारे पास सर एग्जॉस्ट, सबसे पहले एक्रापोविक, उसके बाद एससी प्रोजेक्ट जो कि MotoGP एग्जॉस्ट टेक्नोलॉजी से बना है। ये है हमारा एक्रापोविक जिसके अंदर आपको टाइटेनियम वाला लुक मिल रहा है हल्का फुल्का, एंड ये है हमारे पास एससी प्रोजेक्ट, बट ये थोड़ा सा आपको इससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि भाई इसका शेप आपको अलग साइज का मिल रहा है, थोड़ी आवाज़ में भी डिफरेंस आ सकता है बेस वगैरह। एंड ये भी है एससी प्रोजेक्ट है, तो 2 एक्रापोविक, 3 एससी प्रोजेक्ट एंड ये हमारे पास AR रेसिंग का है, लोगे 6 एग्जॉस्ट एंड बाकी यहाँ पे एग्जॉस्ट रखे हुए हैं। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं इनमें से सारे एग्जॉस्ट की कैसी कैसी आवाज़ आती है। तो यार आज अगर सारे एग्जॉस्ट नहीं ट्राई कर पाया तो अगली वीडियो में बना लूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब आपको पहले ही कर दो प्लीज़ भाई, तो यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे। तो ये रही मेरी ड्यूक 390, इसके अंदर मैं स्टॉक एग्जॉस्ट निकाल चुका हूँ यहाँ से बाहर, तो ये रहा हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट। तो इसके बगैर तो आपको मैं आवाज़ सुना ही चुका हूँ, एक बार फिर से सुना देता हूँ। पहले तो भाई स्टॉक को थोड़ा तो गाइज ये थी हमारे पास ड्यूक 390 की विदाउट एग्जॉस्ट साउंड, वो भी BS6 के अंदर ही, आपको मोटे मोटे कैटेलेटिक कन्वर्टर्स के अंदर दिख रहे होंगे। भाई बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है विदाउट एग्जॉस्ट भी, अगर आपको ट्राई करना है विदाउट एग्जॉस्ट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है, 2 नट खुलने होते हैं वो आप खोल के कर सकते हैं। बाकी अभी हम टेस्ट करते हैं ये वाले एग्जॉस्ट। सर सबसे पहले हम चूज करते हैं एक्रापोविक एग्जॉस्ट, लगा के देखते हैं भैया, रुक जाओ अभी इनको लगाएं तो उसके बाद आप ऑन कर देना। सर अभी आरिफ भैया जो है हमारी हेल्प कर रहे हैं एक्रापोविक एग्जॉस्ट लगाने में, तो भैया एग्जॉस्ट लगा के देखना जरा साउंड कैसी आती है इसमें।
तो गाइज ये था हैक्रापोविक एग्जॉस्ट, बहुत ज्यादा बेस लगा मुझे इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आते हैं एससी प्रोजेक्ट। इसके अंदर बस खासियत मेरे को हैक्रापोविक में यार ये लगती है कि यार इसका लुक बहुत ही बढ़िया है एंड आपको ऐसा लगेगा कि भैया बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का एग्जॉस्ट लगा रहे हो। तो अब यार दूसरे एग्जॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है एससी प्रोजेक्ट ये वाला। तो देखते हैं यार इसकी साउंड कैसी आती है एंड आई होप ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं आप लोगों का। तो आरिफ भैया प्लीज इसको लगा दीजिए, देखते हैं। अब ये हमने यार बेंड पाइप लगाई है, ये हमारे पास एससी प्रोजेक्ट का। भैया थोड़ा रैप करना। तो गाइज ये था हमारे पास एससी प्रोजेक्ट नंबर 2 एग्जॉस्ट जो भी हमने टेस्ट किया है। भाई ये भी बेस अच्छा खासा दे रहा है बट एज कम्पेयर टू हैक्रापोविक ये थोड़ा सा ज्यादा लाउड है इससे और हल्की सी आवाज फटने के चांस रह सकते हैं इसमें। बट अब अगर आप लेना चाहते हो ये भी ले सकते हो अगर आपको लाउड बाइक्स बहुत ज्यादा पसंद। तो अब शुरू करते हैं भाई हैक्रापोविक का, जिसके अंदर आपको टाइटेनियम वाली फ्लेम्स दिखती हैं और बहुत ही बढ़िया कलर मिलता है जिससे आपको रिएक्शन बहुत बढ़िया मिल सकते हैं। ये था हैक्रापोविक एग्जॉस्ट, ये तो भाई एससी से भी ज्यादा लाउड था ये वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहा है भाई जिस टाइप का इसका शेप है ना भाई नेक्स्ट लेवल के। अंदर का देखो भाई इसका जो ये वाला कलर है ना भाई नेक्स्ट लेवल कलर है यार, आप खुद देखो भाई क्या शाइन मार रहा है हैक्रापोविक का ये। तो इसका कलर बहुत ही बढ़िया लगा और बस ये कि हल्का सा थोड़ा बहुत फटने के चांस रह सकते हैं ये और एससी, इसमें हल्का फुल्का फट रहा है बट इसके अंदर हैक्रापोविक जो बड़ा वाला है ना इसके अंदर बिल्कुल भी आवाज नहीं फट रही है, बेस बढ़िया लगा मुझे इसके अंदर। तो भैया आज ये दोनों एससी मेरे को लग रहा है दोनों के सेम होंगे, इनसे पहले ना ये वाला ट्राई करते हैं यार, यार ऑस्टिन रेसिंग ट्राई करके देखते हैं कि ऑस्टिन रेसिंग का कैसा आवाज आ रही है। आपको पकड़ के रखना पड़ेगा इसको। तो गाइज ये था हमारे पास एआर रेसिंग का एग्जॉस्ट एंड जितना मुझे लग रहा है ये दोनों एससी भी ऑलमोस्ट उसी एससी की तरह साउंड करने वाले हैं। तो मैं आपको ये वाले एससी नहीं दिखाऊंगा बट हमारे पास कुछ और एग्जॉस्ट यहाँ पे पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ वो दिखा दूँ। अगर उनका मौका नहीं मिलता है अभी तो भाई वो अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। जैसे एक और हमारे पास यहाँ पे हैक्रापोविक का बढ़िया सा एग्जॉस्ट लगा हुआ है यहाँ पे। तो भैया एक बार हम ना इनको ये वाले हैक्रापोविक का एग्जॉस्ट सुना देते हैं कैसी आवाज़ आती है इसकी। इस हमारे पास अब ये वाला हैक्रापोविक का एग्जॉस्ट उस वाले के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट सेम दिखता है। लेट्स हेयर दिस आउट एंड कितना लाउड है ये वाला एग्जॉस्ट। अरे भैया प्लीज़ लगा के दिखाइए ज़रा। और ये जाती हुई बेंड पाइप गाइस, तो गाइज इसके अंदर आवाज हल्की सी भी नहीं फट रही। तो गाइज ये सब थे हमारे पास, ऑलमोस्ट हमने 4 से 5 एग्जॉस्ट आपको ऑलरेडी दिखा रखा है एंड ये वाले जो जितने अलग अलग एग्जॉस्ट हैं ये तो ऐसे मेरा स्टॉक एग्जॉस्ट है, बाकी जितने भी एग्जॉस्ट है जो आज मैंने नहीं दिखाए वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कभी और बना के, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा धूप है, देख रहे हो भाई कितनी धूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो शाउट आउट टू आरिफ भैया एंड शाउट आउट टू हमारे दूसरे भैया जिनका यूट्यूब का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इन दोनों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है इस कंटेंट बनाने में एंड राइट नाउ आई एम इन द सेफ जोन वर्कशॉप। तो ये रहे भाई बाकी सारे एग्जॉस्ट एंड अभी हम वापस अपना स्टॉक एग्जॉस्ट लगा देंगे। अगर आप प्रेफर करो कि सबसे बढ़िया बेस मेरे को किस एग्जॉस्ट में लगा, मेरे को यार ये हैक्रापोविक और ये वाला हैक्रापोविक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, इनके बेस नेक्स्ट लेवल बेस है। एक और एग्जॉस्ट था हमारे पास लियोविंस का यहाँ पे लगा हुआ, वो आपको मैं नेक्स्ट बार दिखा दूंगा लियोविंस का एग्जॉस्ट, उसके अंदर तो भाई अल्टीमेट बेस है। तो यार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से एंड इतना सपोर्ट अगर दे ही रहे हो तो भाई अगली वीडियो देखने के लिए और शेयर भी कर दो यार। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अब हम वापस लगाते हैं अपनी ड्यूक 390 में अपना स्टॉक एग्जॉस्ट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।